तो ये एक जगह हम लोग पहुंच गए थे, इस जगह का नाम है घुमती विलेज। और यहाँ से हमने थोड़ा आइडिया लिया कि आगे हमें कितनी दूर यहाँ से हलने पड़ेगा और किस तरफ से निकलना है। ये सामने ये लोग कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, आर्मी ऑफिशियल्स हैं जो यहाँ घूमने आए हुए थे, तो उन लोगों से हमारी बात हुई थी एंड दे गॉट वेरी एक्साइटेड कि हम यहाँ पे ये जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं, बाइक पे क्या कर रहे हैं। तो हमने बताया कि हम पूरा पीछे उमलिंगला करके आ रहे हैं। यहाँ पे मोस्टली नोमैड्स रहते हैं जो भेड़ बकरी चला के उसका ऊन बेच के अपना गुजारा चलाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे लाइट भी 2021 में आई है, एक इंजीनियर थे उन्होंने यहाँ पे सोलर पैनल्स लगा दिए थे। और बच्चे यहाँ पे काफ़ी हमें देख के एक्साइटेड हुए, बहुत खुश हुए। और आंधी बहुत ज़बरदस्त चल रही थी उस दिन वास्तव में। तो घुमती विलेज से हम लोग निकल लिए हैं और पूरा इस पर रोड का काम चल रहा है क्योंकि यहाँ से आर्मी का पूरा कॉन्वॉय मूव करता है। और पीछे चेक पोस्ट पड़ा था, वहाँ पे हमसे हमारी डिटेल ली गई थी तो हमने डिटेल सारी दे दी है। और ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, बहुत ज़्यादा आर्मी का मूवमेंट होता है यहाँ पे, तो इस वजह से यहाँ पे बाइकर्स को नॉर्मली अलाउड नहीं करते हैं, टूरिस्ट को ही अलाउड नहीं करते हैं। लेकिन जब से उमलिंगला बनाए थोड़ा यहाँ पे चेंजेस आ गए हैं। अब कुछ टूरिस्ट जो हैं मोस्टली जो बाइकर्स हैं यहाँ पे मूव कर रहे हैं, तो हम लोग भी इनमें से लकी निकले कि हमें यहाँ से निकलने दिया गया, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई भी मूवमेंट ऐसे अलाउड नहीं है। सही है, पूरी धूल आज मैं खा रहा हूँ बैठ के, सारा मेरा मुंह क्या घुस रहा है। आगे देखो नज़ारा, धूल देखो कितना चमक रही है धूप में। रोड पे काम चल रहा है तो पत्थर पत्थर बहुत पड़े हुए हैं। और लद्दाख बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, इतने सारे वेरिएशंस हैं, इतने सारे सीनिक ब्यूटी हैं अलग अलग टाइप के कि एक देखो दोबारा थोड़े आगे बढ़े पूरा सीन चेंज हो जाता है। और उमलिंगला और ये रूट करके तो एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है मेरे लिए। एंड लद्दाख का जो ये ऑरा है शायद ये कहीं मिलेगा कहीं और जगह पर। क्या तो भी ऑफ रोड है, रोड ही नहीं है बल्कि। इस रूट में मेरी और बाइक में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाएगी, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी बाइक के हैंडलिंग के बारे में। मेरे बगल में रोड आ गई है बट अभी भी ये पत्थरों पे ही ऑफ रोडिंग करने का मज़ा आ रहा है। वो तो बस गिरूँ ना इन पत्थरों पे से तो सब सही है, बट मज़ा बहुत आ रहा है। सूरज की रोशनी की वजह से सामने जो डस्ट है एकदम गोल्डन डस्ट की तरह दिखाई दे रही है। लद्दाख क्या क्या नज़ारे देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे, अपनी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा सिंपली ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे थोड़ा फोटोग्राफी करेंगे, अमित भाई मेरे को स्पॉट बता रहे हैं वहाँ पे जाके, और तभी उन्होंने ये जगह पे बाइक रखवाई। लोकेशन वास्तव में बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे। सूरज की रोशनी देखो भाई क्या पड़ रही है, एकदम ग्रीन गोल्डन घास दिख रही है यहाँ पे ये भाई। और ये जो यहाँ के पीआर के वर्कर्स हैं बहुत खुश। ओ भाई ओ हो ज़बरदस्त सूरज देखो ये वाला, क्या ज़बरदस्त एकदम ब्लाइंडिंग मोमेंट। ओहो कितना बड़ा दिख रहा है सूरज, इससे ज़बरदस्त व्यू था उमलिंगला पे, आपने अगर पिछला व्लॉग देखा होगा तो।
अल्टीमेट नज़ारा है और बहुत ज़बरदस्त सनसेट है। हमारे यहाँ पे तो सूरज ये लाल हो चुका होता, बट यहाँ पे क्योंकि कोई पोल्यूशन नहीं, कोई कुछ भी नहीं, तो एकदम क्लियर सन का ग्लेयर है जो पूरा आँख पे दिख रहा है मेरे को, और बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंट है। तो यहाँ से चेंज ऑफ प्लान्स, यहाँ से सिराज चले जाएंगे लेह की तरफ और हम लोग चले जाएंगे लद्दाख की तरफ। और काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंट रहा हमारे बीच में, क्योंकि हम लोगों ने उमलिंगला किया साथ में, फोटिला किया साथ में और पूरा एलएसी किया, तो बहुत ही एक अच्छी बॉन्डिंग बन गई सिराज के साथ में। काफ़ी अच्छा राइडर है ये, और अमित भाई इस मोमेंट को कैप्चर करते हुए क्या तो भी टाइमिंग्स हैं। सामने सनसेट हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। तो यहाँ से दो रास्ते कट रहे हैं, लेफ्ट जाता है हनले की तरफ और अभी हम लोग हैं लोमा, और जो राइट है यहाँ से वो चला जाएगा न्योमा की तरफ, लेह की तरफ। तो एक बार फिर से अपने वापस हनले वाले रूट पे लोमा से हनले जाते हुए, और उस मैं आया था तो यही रूट लिया था हम लोगों ने। तो अभी ऐसा लग रहा है जैसे उमलिंगला करने के बाद जो मेन पर्पस था लद्दाख आने का वो कंप्लीट हो गया है, और बहुत कुछ सीखने को मिला इस वाले पर्टिकुलर इस रूट पे जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया वो मैंने किया। बहुत ही अलग टाइप की लर्निंग रही मेरे लिए, और लद्दाख क्या कुछ सिखा गया। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है। आई थिंक बहुत कुछ सीखने को मिला इस वाले पर्टिकुलर ट्रिप में, और थोड़ी बहुत मिस्टेक भी रही हैं, और आई होप जैसा भी आपको लगे कमेंट करके ज़रूर बताना क्या आपको मिसिंग लगा, क्या आपको ओवर लगा, क्या आपको कम लगा। तो आई विल ट्राई एंड मॉडिफाई अकॉर्डिंगली, एंड डू सब्सक्राइब ताकि मेरे को एक सपोर्ट मिले, ताकि एक मोटिवेशन मिले, मैं लगातार ऐसे वीडियो बनाते रहूं, कोशिश करूं अच्छे से अच्छा कंटेंट बना सकूं। एंड आई होप थोड़ा मैंने मोटिवेट किया होगा अपने वीडियो के थ्रू। तो अगर आप मोटिवेट हुए हैं तो लद्दाख ज़रूर आना, बहुत इन्जॉय करने को मिलेगा, बहुत चीज़ सीखने को मिलेगी, और बाइक से ही आना। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।